नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का इंडिया के मोस्ट नंबर वन यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है नियो वर्ल्टेक। दोस्तों वन विभाग में एक और भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसकी आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस भर्ती का आवेदन जो है शुरू हो चुका है। आवेदन आपको ऑफलाइन ही करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कम्प्लीट भरना है। इसकी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, आपको आवेदन कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी जो फॉर्म फीस वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, फ्री में आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं तो सिर्फ 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और आज इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिले तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन दबाइएगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूरी इस भर्ती की। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकाली गई है वन विभाग में, इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑफलाइन है, ठीक है। और पोस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड वन संरक्षक के पदों पर ये वैकेंसी है। और आयु सीमा की बात करते हैं तो यहां पर कट ऑफ दे रखी है मिनिमम 18 साल। जी हां दोस्तों, 18 साल के कम कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम यहां पर आयु सीमा है 30 वर्ष, ठीक है। और आयु सीमा में छूट भी है, जो कि SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं योग्यता की, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप 10+2 हैं, 12वीं पास हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले यहां पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जी हां दोस्तों, यहां पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए हाइट नापी जाएगी। मेल के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं तो 84 सेंटीमीटर का यहां पर मेल के लिए चेस्ट होना चाहिए और 79 का फीमेल के लिए यहां पर दिया गया है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन दोनों कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद में यहां पर आपकी रिटन एग्जाम होगी, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो आपको यहां पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, 25 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 घंटे में पूरी करनी होगी और वहीं फीमेल के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो भी 4 घंटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको यहां पर सक्सेसफुली ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। जी हां दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी नोटिफिकेशन के नीचे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ लगानी है, आपको आपका पूरा नाम डालना, पिताजी का नाम डालना है, ठीक है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल OBC SC ST कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शादीशुदा है या कुंवारे हैं वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, ठीक है। और आपको प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप कहाँ जन्म हुआ है आपका, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एड्रेस परमानेंट आपका एड्रेस यहाँ लगाना है और जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों आपको लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी लंबाई और चेस्ट की जो साइज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी, कितनी सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, कितने सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, प्लेस लिखना, डेट लिखनी है, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लिखने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, उनके टिक मार्क करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर करना है और इस प्रकार इस फॉर्म को भर के इसको भेज देना है, ठीक है। इसी नोटिफिकेशन में आपको इसका एड्रेस भी मिल जाएगा, जिस एड्रेस पर आपको भेजना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, UT ऑफ लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन, कावरती 68255। इस एड्रेस पर आपको इस फॉर्म को भर के कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट के साथ में आपको भेजना है, ठीक है। इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो है 25 जनवरी है आवेदन करने की। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, दोनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा और हमारी साइट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।